आज एक तो हम लोग को रिव्यू मिलने वाला है। मैडम हम लोग से गाड़ी लिए थे, कितने दिन पहले लिए थे, क्या गाड़ी लिए थे, लेने के टाइम में एक्सपीरियंस क्या था, उनका आरसी ट्रांसफर में उनको कोई हैसल हुआ है कि नहीं हुआ है, उनको क्या रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ, और गाड़ी कैसा है, और जो सब हम लोग बोले थे फुलफिल हुआ है कि नहीं हुआ है, पहले हम लोग सुन लेते हैं। भैया सबसे पहले मैं तो कार स्टूडियो को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि मेरा एक बेटा है, उसका नाम अफान हुसैन है। आफ्टर कम्प्लीटिंग हिज HS एग्ज़ाम उसे उसका बहुत शौक था गाड़ी लेने का, तो मैंने कहा कि पहले वो अच्छा से मतलब हमारा जो सेकेंड ये है उसमें जो है वो गाड़ी को पहले अच्छे से सीख ले, तब फिर हम लोग विल गो फॉर द न्यू ऑप्शन। लेकिन उसके बाद जब मैं बहुत सारे स्टूडियोज़ में गए, बहुत सारे शोरूम्स में गए हम लोग देखने के लिए गाड़ी के लिए, तो उतना सेटिस्फाइड हम नहीं हो पाए सर। मैम तो आप तो शायद यूट्यूब पे ही देखे थे हम लोग के बारे में। तो मैंने यूट्यूब देखकर ही जो है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया के ज़माने में हम लोग यूट्यूब में देखते हैं, तो यूट्यूब में देखने के बाद मैंने बहुत सारे स्टूडियोज़ में इवन शोरूम्स में जाकर हमने देखा। लेकिन उसके बाद में जब व्हेन आई केम टू अबाउट कार स्टूडियो, नेचुरली कार स्टूडियो आई केम, सोचा कैसा होगा, लेकिन सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा लगा। एंड व्हेन आई एंटर्ड तो एक शेड की तरह है, गोडाउन की तरह है, क्या प्रॉब्लम, क्या कैसा गाड़ी होगा, मुझे पता नहीं, इतना शोरूम से छोटा गाड़ी आया, बट सरप्राइजिंगली बोलते ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो ठीक उसी तरीके से व्हेन वी केम टू कार स्टूडियो माय सन सॉ द रेड कलर वरना एंड वरना मुझे एंड दिस वाज द वरना नो माय सन सेम इज अफानिया एंड दिस इज द वरना व्हिच ही वी बॉट और जो भी इन्होंने वादा किया था, जैसे कि 20,000 चला हुआ था, पेट्रोल का गाड़ी था, इसका जो कलर था वो बहुत अच्छा लगा मेरे बेटे को भी और मुझे भी, और साथ ही साथ इसका जो माइलेज है, इसका जो भी अंदर कंडीशंस है वगैरह है, मतलब मुझे पहले तो सोचा था बहुत कि कैसा होगा क्या होगा, लेकिन पता नहीं अब हम लोग जो खरीद रहे हैं वो जितना हम लोग को बोला जा रहा है वो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन आफ्टर आई थिंक ये दो तीन महीना हो रहा है, आई थिंक सो 2-3 months has passed और ये 2-3 months में विदाउट अ सिंगल नॉइज इस कार से हम लोग फुली सेटिस्फाइड है। एंड लुक आई केम फॉर माई ब्लू बुक ईयर एंड माई ओनर अगेन वंस अगेन इज सेइंग कि वो जो है मेरा गाड़ी थोड़ा गंदा हो गया है, मैं आज धुलाई नहीं, लेकिन मैंने उन्होंने वादा किया कि मैं आपको जो छोड़ूंगा गाड़ी धुला के ही छोड़ूंगा। सो दिस गुड हॉस्पिटैलिटी के लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और साथ ही साथ मैं सोचती हूँ कि जैसे मैं खुशनसीब थी, जैसे मैं लगती थी कि मुझे वरना मिला, अच्छा गाड़ी अच्छा कंडीशन में मिला, और जो भी इन्होंने वादा किया उसको फुलफिल किया, इसके लिए जितना डॉक्यूमेंट्स हो या जितना भी हमारा इंश्योरेंस है या जितना भी हमारा टैक्स वगैरह है वो हमारा मुझे जो बोला गया था वो मिला है, और मैं इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ। और वो गाड़ी आप लोग भी आइए, कस्टमर्स इस तरीके से मैं खुश किस्मत थी, मैं बहुत लकी थी, हमें जेभावे लकी छिलाम এবং আমরাই আবিষ্কারী যেন আপনারাও লাকি থাকেন, আসুন কাজ স্টুডিওতে চেক করুন।